गुड मॉर्निंग क्लास एट। आज हम बात करेंगे सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। सर्कल ग्राफ क्या होता है? अब तक हमने बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ और ये सब पढ़ा है। अब हम बात करेंगे सर्कल ग्राफ की। व्हाट इज सर्कल ग्राफ? तो आपके बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ है, पेज नंबर 82 पे। इसमें दो सर्कल दिए हुए हैं। ये पता, ये वाला शो कर रहा है द टाइम स्पेंट बाय ए चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे। एक बच्चे ने एक दिन में कितना टाइम किस किस एक्टिविटी में स्पेंड किया है। और दूसरा सर्कल बता रहा है एज ग्रुप ऑफ पीपल इन ए टाउन, किस एज के कितने पीपल एक टाउन में हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, स्लीप में दिया हुआ है 8 आवर्स, बच्चे का स्कूल 6 आवर्स, प्ले कितनी देर वो खेलता है 3 आवर्स, होमवर्क 4 आवर्स, अदर 3 आवर्स। अब इसमें सबसे पहले क्या है, इसका एक सेंटर होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से रेडियस, ये अलग अलग रेडियस है। ठीक है, अब ये टोटल अगर आप एक्टिविटीज़ की सारी पूरे दिन की देखोगे तो कितने आवर्स हो रहे हैं, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 6 24 आवर्स। ठीक है, इन ग्राफ को हम बोलते हैं सर्कल ग्राफ, दीज आर कॉल्ड सर्कल ग्राफ। अब ये ए सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट्स। एक सर्कल ग्राफ जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पूरे होल को, ये पूरा जो होल है और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, ये पार्ट्स हो गए और ये पूरा होल हो गया 24 आवर्स। हेयर द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर, यहाँ पे ये डिवाइड है अलग अलग पार्ट्स में, सेक्टर भी आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इन्फॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट। इस ईच सेक्टर ये इक्वल नहीं है, इसकी जो साइज है वो है प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी, किस किस एक्टिविटी में बच्चे ने कितना स्पेंड किया उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग साइज है। फॉर एग्जाम्पल इन द अबव ग्राफ द प्रपोर्शन ऑफ द सेक्टर 4 आवर्स स्पेंड इन स्लीपिंग। अब हमको स्लीपिंग का प्रपोर्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, स्लीपिंग का कितना आवर्स है 8 आवर्स और टोटल आवर्स है 24 आवर्स, तो इसका होगा नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स अपॉन होल डे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और स्लीपिंग उसका है 8 आवर्स, तो 8 / 24 तो ये हो गया 1/3। तो इस सर्कल का 1/3 जो पार्ट है वो उसका स्लीपिंग आवर्स हो गया। दिस सेक्टर इज ड्रॉन एज 1/3 पार्ट ऑफ द सर्कल, सिमिलरली द प्रपोर्शन ऑफ द सेक्टर 4 आवर्स स्पेंड इन स्कूल, नंबर ऑफ स्कूल आवर्स अपॉन, अब स्कूल का अगर आपको बोलने निकालना है तो ये 6 आवर्स अपॉन 24 आवर्स, 1/4 हो गया स्कूल का, स्लीपिंग का हो गया। इस तरह से आपको अलग अलग सर्कल ग्राफ में शो करने हैं, और ये जो सर्कल ग्राफ है इसी को हम पाई चार्ट भी बोलते हैं। अब इसका एक मेन, इसका एक फॉर्मूला होता है किसी भी पाई चार्ट को बनाने का, तो उसका होता है वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट हो गया जैसे ये है 8 आवर 6 आवर, अलग अलग आपको निकालना है, अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट मींस 24 आवर्स, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट मल्टीप्लाई 360 डी। अब मल्टीप्लाई 360 हमने क्यों किया है, क्योंकि किसी भी सर्कल में टोटल एंगल किसी भी सर्कल का कितना होगा 360 डिग्री होगा। अब ये यहाँ पे आपके पाई चार्ट ड्रॉ करना है, एग्जांपल दिया हुआ है, तीन फ्लेवर्स हैं चॉकलेट वनीला आइसक्रीम के और अदर फ्लेवर्स, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रेफरिंग द फ्लेवर्स, चॉकलेट फ्लेवर कितने परसेंट बच्चों ने पसंद किया 50%, वनीला 25% और बाकी फ्लेवर्स 25%। अब आपको बोल रहे हैं कि आपको इसका ये डेटा को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले सर्कल हमने ड्रॉ किया, बीच में ड्रॉ ए सर्कल विद एन कन्वीनियंट रेडियस, एक रेडियस या OA हमने रेडियस लिया। ठीक है, अब चॉकलेट का आपका कितना दिया हुआ है 50%, तो ऑब्वियस है 50% हाफ सर्कल हो गया, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, 180 डिग्री का प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पे आप चाहे एंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, और बाकी जो बचा है वो अदर फ्लेवर्स में आ गया वनीला एंड ये, इस तरह से हमको ये शो करना है। सिमिलरली एग्जाम्पल दो आपके यहाँ पे दिया है, हम एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट करते हैं। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन ए सिटी। एक सर्वे किया गया है, टाइप ऑफ म्यूजिक यंग पीपल के सर्वे किया है कि किसको कौन सा म्यूजिक पसंद है। एडजॉइनिंग पाई चार्ट, ये जो पाई चार्ट गिवन है शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इस पाई चार्ट की हेल्प से आपको आंसर देना है 1, 2, 3 का। तो फर्स्ट पे हम आते हैं, ये सबसे पहले हमें समझते हैं ये सर्किल या पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें है म्यूजिक के ऊपर बात हो रही है, यंग पीपल का सर्वे किया हुआ है बट नंबर ऑफ पीपल
हमको गिवन नहीं है, वो हमें निकालना है। लाइट म्यूजिक कितने परसेंट लोगों को पसंद है? सबसे ज्यादा सर्किल का पार्ट लाइट म्यूजिक पे आ रहा है, तो ये 40% लोगों को पसंद है। फोक म्यूजिक 30%, क्लासिकल 10% को पसंद है सर्वे के अकॉर्डिंग, और सेमी क्लासिकल 20% को। तो फर्स्ट ये पूछ रहा है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड? अगर 20 लोगों को सेमी क्लासिकल सॉरी 20 लोगों को अगर क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, तो कितने लोगों पे ये सर्वे किया, कितने लोगों पे ये सर्वे किया गया है? तो सबसे पहले हम फर्स्ट के लिए बात करते हैं। 5.2 का फर्स्ट है, तो हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल एक्स, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल एक्स। अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है, बात हो रही है क्लासिकल की, तो आपको इसे यहाँ पे दिया हुआ है क्लासिकल 10% लोगों को, तो 10% ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 20 पीपल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 10%, 10/100 मल्टीप्लाई ऑफ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इक्वल टू 20। जब एक्स को हम इधर ले आएंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 20/10/100। इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पे अब हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20/100, ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल में और 10 नीचे आ जाएगा, 10 2 20। नंबर ऑफ टोटल आ गए पीपल, टोटल पीपल जिनका सर्वे किया वो है 200। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम आते हैं सेकंड पे, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल? सबसे ज्यादा म्यूजिक किस किससे पसंद, कौन सा मतलब म्यूजिक सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है? तो ये आपको बिल्कुल क्लियर है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, सबसे ज्यादा है 40% लाइट म्यूजिक। ये आप देख के भी बता सकते हैं, लाइट 40%, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पूछ रहा है ये, इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 100 सीरीज, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक? अगर एक कैसेट कंपनी 1000 सीरीज बना रही है, तो इन ईच की वो कितनी बनाएगी हर एक की? तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइट म्यूजिक की कितनी बनाएगी। टोटल अगर 1000 सीरीज हैं, तो लाइट म्यूजिक का हमको चार्ट में गिवन है 40%, तो ये हो गया 1000 का 40%, ये हो गया 400 बनेगा लाइट म्यूजिक का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल है 20%, तो 1000 का 20% हो गया 200 हो गया। ठीक है, नाउ क्लासिकल है 10%, तो 1000 का 10% ये हो गया 100। नाउ कम्स ऑन फोक म्यूजिक, फोक गिवन है 30%, तो 1000 का 30% हो गया 300। ठीक है, अब आप 400, 200, 600, 700, 8, 9, 10, 1000 हो गए इन चारों को अगर आप टोटल करोगे, तो इतना बड़ा ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, 5.2 का फर्स्ट हमने कर लिया है, नाउ वी कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 2। एक और मैं आपको बता रही हूँ, बाकी तीन आप खुद से करेंगे। ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन, रेनी, विंटर एंड समर। यहाँ पे ये सीजन है और ये नंबर ऑफ वोट्स आपके बुक में गिवन है। समर सीजन में नंबर ऑफ वोट्स है 90, रेनी में है 120 एंड विंटर में है 150। तो फर्स्ट ये पूछ रहा है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। तो फर्स्ट में जैसे देख के ही हमको पता चल रहा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 150, 90 ये 120, सबसे ज्यादा 150 इसको ज्यादा वोट्स मिले हैं। नाउ वी कम्स ऑन फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सेंटर एंगल हमको फाइंड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? सेंटर एंगल फाइंड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट मल्टीप्लाई 360। तो अलग अलग सीजन का हम ये निकालेंगे, समर, रेनी एंड विंटर। ठीक है, तो समर का हो जाएगा हमारा कितना है, नंबर ऑफ वोट्स समर के हैं 90, रेनी 120 एंड विंटर 360। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा 90 अपॉन टोटल कितना होगा ये तीनों का,
90 प्लस ये भी 360 हो रहा है। 90 विंटर का है, 150 सॉरी 150, ये भी हमारा कोइंसिडेंसली 360 हो रहा है टोटल, वरना जो भी टोटल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 360 टोटल और मल्टीप्लाई फार्मूला के अकॉर्डिंग भी 360 होगा। ये हो गया समर का 90 आ गया एज इट इज, ये 120 आ जाएगा क्योंकि नीचे भी 360 है और मल्टीप्लाई भी 360 से करना है हमको, और ये 150 आ जाएगा सिमिलरली। ये सेकेंड हो गया, नाउ कम्स ऑन थर्ड, ये है ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब हमको पाई चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे, ठीक है, फिर इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, अब यहाँ से रेडियस आप ड्रॉ कर लेंगे। अब सबसे पहले हमको शो करना है 90 डिग्री एंगल। तो मेरे पास अभी प्रोटेक्टर मुझे मिला नहीं है, आप प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल हमारा ये ऐसे हो जाएगा। ये हो गया हमारा समर पाई चार्ट आपको शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है रेनी 120। अब आप पाई सॉरी प्रोटेक्टर को यहाँ पे आप रखोगे तो समय 120 आपका इस तरफ आएगा। तो ये हो गया हमारा रेनी, एंड रिमेनिंग ये जो बचा है प्रोटेक्टर आप रखोगे तो आपको वही आ जाएगा 150 डिग्री का एंगल आएगा विंटर, ठीक है। इन सब का टोटल 360 हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।